इजराइल पर ईरान के हमले के बाद से दुनिया भर में भारी अस्थिरता की स्थिति है। इस हमले ने मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा दिया है। ऐसे में ईरान के कब्जे वाले इजरायली जहाज में सवार 17 भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार ने चिंता जताई है। अब खबर है कि ईरान सरकार ने भारत सरकार के प्रतिनिधियों से इन भारतीयों की मुलाकात को हरी झंडी दिखा दी है। ईरान ने विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का कहना है कि तेहरान जल्द ही भारत सरकार के अधिकारियों को एमएससी एरीज जहाज में सवार भारतीयों से मिलने की अनुमति देगा। ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि उनकी सरकार कब्जे में लिए गए जहाज का ब्यौरा जुटा रही है। 17 भारतीयों से भारत सरकार के प्रतिनिधियों के मिलने की जानकारी जल्द मुहैया कराई जाएगी। ये खबर ऐसे समय में आई जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में ईरान के अपने समक्ष हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से बात की थी। इस दौरान उन्होंने 17 भारतीय नागरिकों की रिहाई का मुद्दा उठाया था। जयशंकर ने फोन पर बातचीत के दौरान ईरान इजराइल के बीच बढ़ती दुश्मनी को लेकर तनाव से बचने, संयम बरतने और कटु नीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया था। बता दें कि हाल ही में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे इजराइल के एक जहाज एमएससी एरीज को कब्जे में लिया था। ये जहाज लंदन का जोडियक मेरेटाइम है, जो इजराइल के अरबपति ऑयल ऑफर के जोडियक ग्रुप का है। ये जहाज यूएई के एक बंदरगाह से रवाना हुआ था। एमएससी एरीज को आखिरी बार बीते शुक्रवार को दुबई से होर्मुज स्ट्रेट की ओर जाते हुए देखा गया था। बाद में पुष्टि की गई कि ईरान ने इस जहाज को कब्जे में ले लिया है। इस जहाज में कुल 25 लोग सवार थे, जिसमें 17 लोग भारतीय थे। ईरान ने 13 अप्रैल की आधी रात को इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा अलग अलग तरह के ड्रोन हमले किए थे, जिनमें किलर ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। इजरायली सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया था। इजरायली सेना आईडीएफ के प्रवक्ता रियल एडमिरल डेनियल ने बताया था कि ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला किया है। इजराइल ने एरो एरियल डिफेंस सिस्टम के जरिए इन अधिकतर मिसाइलों को मार गिराया था। कहा गया कि इजराइल ने ईरान के 99% हवाई हमलों को विफल कर दिया था। इस हमले के बाद अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देश इजराइल की मदद के लिए आगे आए थे। इजराइल पर अंधाधुंध हमले कर ईरान ने दो टूक कहा था कि ये इजराइल के लगातार किए जा रहे उसके अपराधों की सजा है। ईरान की सेना ने बयान जारी कर इस हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस का नाम दिया था। ईरान ने कहा था कि उसने ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस इसलिए कोड नेम दिया है ताकि वो अपने दोस्तों और दुश्मनों को बता सके कि जो वो कहता है उस पर अमल करता है। वो सच्चा वादा करना जानता है, जो वादा करता है उसे निभाता है। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया गया था। इस हमले में ईरान के टॉप कमांडर सहित कई सैनिक अधिकारियों की मौत का दावा किया गया था। ईरान ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। इन्हीं तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाबकेसरी.com।